भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है, जिसकी वजह से रक्षाबंधन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। उस वक्त भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा 3 पग धरती देने के लिए तैयार हो गया। राजा के हाँ करते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया और 3 पग में सब कुछ नाप लिया। बाद में भगवान विष्णु ने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। राजा ने पाताल लोक में रहना तो स्वीकार कर लिया, परंतु राजा ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, जो भी वचन चाहिए मांग लो। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल में रहने लगे तो माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की चिंता होने लगी। माँ लक्ष्मी ने उसी वक्त नारद जी को वहाँ भ्रमण करते हुए देखा। तब माँ लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, आपने भगवान विष्णु को कहीं देखा है? तब नारद जी ने माँ लक्ष्मी को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद माँ लक्ष्मी ने नारद जी से विष्णु भगवान को राजा के पास से वापस लाने का उपाय पूछा। नारद जी ने माँ लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और उनसे भगवान विष्णु को मांग लीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी भेष बदल कर पाताल लोक में पहुँच गयी। पाताल लोक पहुँच कर माँ लक्ष्मी रोने लगी। राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को रोते हुए देखा तो उनसे रोने का कारण पूछा। तब माँ लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसीलिए वो रो रही है। माँ का यह वचन सुनकर राजा बलि ने कहा कि आप मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से विष्णु भगवान को मांग लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार से एक और कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उस समय उनकी उंगली कट गई थी। ये देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इसे एक रक्षा सूत्र की तरह देखा गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सदैव उनकी रक्षा करने का वचन दिया। इसके बाद जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रख कर अपना वचन पूरा किया। राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। राखी का त्योहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर को 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात के 9:30 के बीच भी बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त है। धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।